नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, थंब रूल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन। आज ये अपना इंट्रोडक्टरी टॉपिक है और उसके साथ ही कुछ एक बेसिक थंब रूल अभी बता रहा हूँ, और आगे की वीडियोज में हर एक सेक्शन का, जैसे शटरिंग, स्टील, कॉन्क्रीट, मैसनरी, ऐसे अलग अलग टॉपिक के थंब रूल्स हम देखेंगे। थंब रूल्स का रिक्वायरमेंट क्यों आता है? जब भी कोई प्रोजेक्ट या फिर जब भी कोई नया प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं रहते हैं, कुछ जस्ट एरिया अपने पास रहता है और एरिया के हिसाब से इनिशियल स्टेज में जस्ट कॉस्टिंग हम लोगों को चेक करना है, चाहे कॉस्टिंग या फिर मटेरियल के हिसाब से टोटल। तो उस समय पूरा ड्राइंग रेडी होने होके क्वांटिटी एनालिसिस करने तक बिना टाइम गवाए थंब रूल्स कुछ कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ किए जाते हैं उसका यूज़ करके हम उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं और कितना मटेरियल लगाना है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये थंब रूल्स जो किसी भी कॉमन मैन के लिए भी, जैसे किसी को चेक करना है कॉस्ट कितना है क्या है, उसको जस्ट क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन अपना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मटेरियल सही लग रहा है कि नहीं है, लेबर रेट सही है कि नहीं, ये सब थंब रूल के हिसाब से वो लोग भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ जो बेसिक थंब रूल्स है उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। अभी एक स्टैंडर्ड हाई राइज बिल्डिंग, उसके लिए थंब रूल्स हम देखेंगे। सबसे पहले स्टील अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 kg पर स्क्वायर फीट लगता है। उसके बाद है सीमेंट है 0.5 bag पर स्क्वायर फीट लगता है। उसके बाद आरएमसी का डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट, कितना काम आरएमसी से कर रहे हो या फिर कास्टिंग सीटों कर रहे हैं, साइट पे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड है। तो उसका कुछ परसेंटेज वैसा नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली 0.05 cubic meter पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। उसके बाद में है ब्लॉक मैसनरी है तो ब्लॉक मैसनरी का 12.5 नंबर पर स्क्वायर मीटर कंसिडर करते हैं। उसके बाद में आरसीसी का कॉस्ट जैसे कंसिडर करते हो 750 to 800 rupees पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। उसके बाद में फिनिशिंग का वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है, पर्टिकुलर क्या क्या रिक्वायरमेंट उस पर डिपेंड है, फिर भी वो टेंटेटिवली 500 to 550 rupees पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 130 to 135 rupees पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। और प्लम्बिंग का अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ टोटल कॉस्ट या फिर 125 to 130 rupees पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। उसके बाद में फायर पार्टिंग का कैसे एज पर रिक्वायरमेंट है, फिर भी टेंटेटिवली 40 to 45 rupees पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। और उसके बाद जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट सराउंडिंग, जो भी कंपाउंड वॉल हो गया, रोड हो गया, कुछ अदर कुछ भी रहेगा, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 100 rupees पर स्क्वायर फीट कंसिडर। जो एक स्टैंडर्ड थंब रूल्स है और ऐसे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाने के लिए, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से या फिर ड्राइंग के हिसाब से ये चेंजेस होते रहते हैं। ये जस्ट एक आइडिया आने के लिए ये थंब रूल्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा थंब रूल का एक पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में, जैसे कॉन्क्रीटिंग, स्टील, शटरिंग, मैसनरी, प्लास्टर, पेंटिंग, इसका डिटेल देखेंगे। साथ ही में लेबर प्रोडक्टिविटी भी, मतलब कौन से लेबर पर डे कितना काम करते हैं, कितना आउटपुट देते हैं, इसका भी हम डिटेल देखेंगे। दोस्तों, मैंने देखा कि 50% से भी ज़्यादा व्यूअर मेरे चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।